वेलकम टू तड़ोबा। पहली बार जंगल सफारी कर रहा हूँ मैं तो। तीसरी बार। वी आर स्टार्टिंग। अभी तक तो हिरन दिखे हो। सो वी हैव स्टार्टेड टू तड़ोबा टाइगर रिजर्व। यह लगभग हैदराबाद से 500 किलोमीटर है, तो पूरी रात की जर्नी होने वाली थी, इसलिए रास्ते में एक होटल पे हमने डिनर किया। आफ्टर दैट 500 किलोमीटर की ओवरनाइट जर्नी करने के बाद फाइनली सुबह 4 बजे हम तड़ोबा पहुंच जाते हैं। सुबह के 5 बजे हैं और मैं हूं अभी तड़ोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। तो अपने रिजॉर्ट पहुंचने के बाद जल्दी से हमने अपना सामान रखा, फ्रेश अप हुए और क्विकली ब्रेकफास्ट फिनिश किया। ब्रेकफास्ट कर लिया है। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं टाइगर सफारी के लिए। तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में 20 गेट हैं और हमारी एंट्री थी जुनोना गेट से। गेट का नाम है जुनोना गेट। यहाँ से हमारी एंट्री है टाइगर सफारी के लिए। तो अभी बंद है गेट, सुबह 6 बजे खुलेगा ये गेट, तब तक वेट करते हैं। सो इस टाइगर रिजर्व का नाम है तड़ोबा टाइगर रिजर्व। ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है और नागपुर से लगभग आपको 150 किलोमीटर पड़ेगा ये। और हम हैदराबाद से आए हैं, तो हैदराबाद से हमको ये लगभग 480 किलोमीटर पड़ा है यहाँ तक एग्जैक्ट। सो अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर दी है, अंदर प्राइवेट गाड़ी अलाउड नहीं है। अंदर जाने के लिए ये इन जिप्सी में ही जा सकते हैं अंदर। पहली बार जंगल सफारी कर रहा हूँ मैं तो। आप पहली बार कर रहे हो? तीसरी बार। अंकुर पूरे बाप रहे जंगल में ही रहता है भाई ये तो। We are starting. टाइगर निकला सामने से। टाइगर दिखा दाड़ियल, दाड़ियल। दिल मत, दिल मत। दाड़ी है ना मेरे पीछे है टाइगर। फीमेल भी है उधर। हाँ उस साइड में अपन क्या करी किया नहीं मिली। उस साइड मेल टाइगर है, फीमेल उधर है। निकल गया भाई इधर से। तो रियल टाइगर जंगल में बिल्कुल ओपनली घूम रहा है भाई। भाई एक बार तो धड़कन रुकी लेकिन ना 300 kg का इतना बड़ा मुंह खोला उसने, भाई साहब फीलिंग आ गई। पहले मैं 2-3 साल पहले आया था, तब तो मोबाइल अलाउ थे। अभी बंद हो गए? अभी बंद हो गए। क्या कुछ कारण हो गया? एक हफ्ता हो गया। क्यों भाई, किस लिए? कैसे है वो डिस्टर्ब करते हैं? नहीं तुम्हारा मोबाइल 2 साल हो गए, जो हमारा ये अभी 1 हफ्ता हो गया। ओके, ओके। हमारा भी बंद हो गया। आप भी बंद हो गया? हाँ। ओके, तो इस टाइगर रिजर्व में मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर। अगर मोबाइल लेते हुए लाते हुए पकड़े गए तो कितना जुर्माना है? 5,000 5,000 रुपीज़ फाइन है अंदर लाने के लिए। अंदर लाने के लिए
इसलिए ओनली कैमरा अलाउड है, आप कैमरा ला सकते हो। ये तो लक है, आती टाइगर दिखा, वो भी बड़े वाला टाइगर, मेल टाइगर। रास्ते में तीन घर, तीन बार सर्विस करा चुका, तीन बार जिम कॉर्बेट। हाईवे पे, हाईवे पे आया, एक जंप में एक साइड का, फिर जो डिवाइड रेलिंग होती है उसके नीचे से निकला, फिर अपोजिट साइड घूर के जंगल में चला गया। बहुत हंसी आ रही है भाई, इन्हें में चेक भी गायब हो गया ना, यहीं पे घूम रही है। एक हमको दिखाओ उधर, मेल था वो, आपको नहीं दिखा? हम लोग शिकार करके लेके जाएंगे। कल उसको लेके गया, फॉलो किया टाइगर इसको, वो मेरे को नहीं मिली, मेरा मिस कैसे हो गया, वो कस्टमर को वॉशरूम लगा था, मैं गेट पे लेके आया वॉशरूम के लिए, और दूसरी गाड़ी ने वही ट्रैप पे उसने टाइगर देख के मोकला हो गया। किसी बात पे हाथ दे भाई, आप भी तो फालतू आदमी हाथ मिला रहे। जंगल सफारी का नेक रूल है भाई, गाड़ी से नीचे नहीं उतरना, गाड़ी से नीचे उतरना सबसे बड़ी बात है। हमें शेर में दिख गया, एक शेर नहीं दिखा, टाइगर दिखा, और दिखेगा, और दिखेगा शेर में, टाइगर दिखा, चीता और मेल दिखा, बाघ। हमारे गाइड है विकास मेसराम और हमारे ड्राइवर है बाड़ू। ये यही के लोकल है, जो आस पास गाँव है ना, इसके जंगल के अंदर ही गाँव का नाम क्या है? मैं ये मोरली विलेज में रहता हूँ। ये भाई मोरली विलेज के हैं और ये भाई जनोना विलेज के। आज हमको एंट्री होती है ना, इन्होंने टाइगर दिखाया। थैंक यू भाई, इन दोनों को, भाई को थैंक यू भाई, थैंक यू, ओके वेलकम। नवीन बाबू भाई, अभी अभी जो हंट हुआ है ना, वो हंट के बाद वो फीमेल भाग निकलेगा। एक बार वो ट्राई करेंगे। शिकार करने के लिए शिकार करने के रहते, इसका मूल रहता है, वो सामने आ रहा है, शिकार सामने तो इसलिए ना 360 कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ गाड़ी है। डडिया ना, वो अपन ने गले बैठे जो अपन ने देखा था, रात का पेट भर चुका है। अब भाई दो बार तो टाइगर देख लिया है, तीसरी बार और देखने का चांस है। अन्ना कैसा लगा बता भाई? तिकड़े के लास्ट पे काल भूत होता है, खामोशी है तिकड़े डी है। ये जो खामोशी के पल है ना, इनका एक घोंसला सन थी सितारे देख लिए थे उन्होंने, की आवाज आ रही है। भाई ड्राइवर करते हैं, मेरी गाड़ी हम साइड में होने वाला है, दूसरी गाड़ी वाले इधर तो काफी देर वेट करने के बाद नहीं दिखा, दूसरी तरफ जा रहे हैं। सोनम का पेट भर गया होगा ना भाई, सोनम बैठ नहीं करेगा अभी। हां सोनम ने ऑलरेडी शिकार कर लिया ना।
सो दो बार हमने टाइगर देखा भाई आज। आज हमने अभी अब सोनम देखना है, हमने दड़ियल देखा है। सोनम टाइगरस का नाम है और डढ़ियल जो है जो टाइगर है उसका नाम है। असली शेर को देख के शर्मा गई। ये है बफर जोन, वो है कोर जोन। सो बफर से कोर जोन में आते हैं, अटैक करते हैं और फिर सीधा कोर में जाते हैं। तो अभी सुबह सोनम ने एक अटैक किया है, वो कहीं सो गई है पेड़ों में, हम उसका वेट कर रहे हैं बाहर आने का। टाइगर ने जो है दड़ियल जो है वो निकल गए कोर। हमारा ड्राइवर और गाइड उन्हें ढूंढने गए हैं। डिनर के लिए ना 8 बजे है अभी। तो कॉलेज के पास वाले रेस्टोरेंट में खाने टी ब्रेक हुआ है और हमारा ड्राइवर ये बड़ा अच्छा लग गया। चलो रूम पे अभी 2-3 पड़ी होंगी। सो मॉर्निंग जंगल सफारी का टाइम सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है, तो 8 बजे के करीब टी ब्रेक हुआ था। हमारी एंट्री जुनोना गेट से थी जो बफर जोन में पड़ता है। तो टी ब्रेक के बाद वापस एक बार और जाएंगे और अगर लक हुआ तो एक बार और टाइगर देखने को मिलेगा। एक लास्ट चांस के लिए और वेट कर रहे हैं भाई। सोनम दिख गई तो गाड़ी पलटा देंगे। सोनम है यहाँ पे टाइगरस और रूट भी है यहीं पे। रूट है ना बहुत सारे। के निशान है ना। ओके टाइगर के पैर में तो पगमार बोलते हैं। Everyone waiting for last chance. Last chance. And we all are waiting for Sonam to come. Yeah, Sonam is making her last footstep here in this buffer area. And this is Kor. सफारी कंप्लीट। मजा आ गया। भाई अभी चलेंगे होटल, रेमेडी जला दे। 10 बजे सफारी कंप्लीट होने के बाद हम चल दिए अपने रिजॉर्ट के लिए। और ये जो गांव आप देख रहे हैं ना, ये टाइगर रिजर्व के अंदर ही है। जंगल सफारी फिनिश हो गई है भाई, अभी वापस आए हैं 10 बज गए। मैं तो आज पहली बार आया हूँ भाई टाइगर सफारी में और आते ही आज मेरे को टाइगर मिला और दो बार देखा हमने टाइगर आज। दिन में लंच करने के बाद और रेस्ट करने के बाद तो शाम में हमारा प्रोग्राम था इराई रिजर्वायर देखने का। तुम 20 मीटर सेट कर दो। 20 मीटर रेंज में तुम्हारे तुम किस तरफ जा रहे हो उस तरफ तुम्हारे साथ। हाँ, वो मोड तो अभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया यार। अब वो मोड किस में काम आएगा पता है? ऐसे ड्राइविंग जा रहे हो कार पे। अच्छा तुमने खोल दिया तुम्हारे ऊपर उड़ते आएगी वो। ये रिजर्वायर हमारे रिजोर्ट के बिल्कुल पीछे है। ये गाँव है, यहाँ का छोटा सा गाँव है और सेंचुरी के बीच में बना हुआ है। बोट सफारी पहुंच चुके हैं। क्या सनसेट का सीन आ रहा है। बोटिंग ने है ना पूरी सफारी कंप्लीट कर दी। सो इस सामने वाले टापू पे मगरमच्छ दिखने के चांस है, ये सामने दिख रहा है।
मुश्किल चांस है मगरमच्छ दिखने के तो। ये देखो यहाँ का चौकीदार है। लो भाई जंगल सफारी भी कर ली और साथ में बोट राइड भी कर ली। कैसी रही बोट राइडिंग? बोट राइडिंग बहुत अच्छी रही, मेरे को सर्दी लग रही है, टेम्परेचर डाउन हो गया, ठीक है जल्दी से घर अपने रिजॉर्ट में भागो। ये बोट राइडिंग के लिए इन्होंने 1200 रुपीज। सुबह के 4 बज गए, वापस जा रहे हैं घर हैदराबाद के लिए। तो ये थी मेरी पहली जंगल सफारी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।